अब इसमें एक चीज है ना, यहाँ पर जो आपने स्टार्ट मैंने पूछा है दैट आई टेल यू, अगर सपोज किसी का 4 ईयर 6 मंथ्स है, बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट पूछा, क्योंकि ये चीज भी कभी आप ऐसा सिचुएशन आ सकता है, तो किसी ने 4 साल 6 महीना काम किया, या किसी ने 4 ईयर्स में एप्लीकेबल होगा नहीं, 5 ईयर्स 8 मंथ्स, नाउ 5 ईयर्स 8 मंथ्स किसी ने काम किया, इस कंडीशन में आप क्या करोगे? ये क्वेश्चन एक खुद से आपको रेज होगा। मैं तो केवल नंबर ऑफ ईयर्स दे रहा हूँ, मंथ्स नहीं दे रहा हूँ, और मंथ्स में आता भी नहीं, ये राउंडेड ही आता है। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो राउंडेड कैलकुलेशन, तो राउंडेड में क्या होगा, रूल है 6 महीना, 6 साल तक का लेंगे। हाँ वही बता रहे हैं, अगर 6 मंथ 6 मंथ अगर आएगा 1 महीना भी, तो वो जो है वन राउंड हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। जैसे डेसिमल में आपको यूज करते हैं, 5.7 को 6 पकड़ते हो, राइट? तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर भी हम करेंगे, क्लियर? तो ये चीज़